नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बोर से लेकर कंडवाल तक सभी नालियों और खड्ड का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि मेन रोड पर दुकानदारों के आगे जो नालियां बनी हुई हैं, उसमें दुकानदारों ने कूड़ा करकट फेंककर नालियों को बंद कर दिया है। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने दुकानदारों को नालियों के साफ करने के दिशा निर्देश दिए। नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बोर्ड से लेकर कंडवाल तक सभी नालियों और खड्ड का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि मेन रोड पर दुकानदारों के आगे जो नालियां बनी हुई हैं, उसमें दुकानदारों ने कूड़ा करकट फेंककर नालियों को बंद कर दिया है। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने दुकानदारों को नालियों को साफ करने के दिशा निर्देश दिए और कहा कि आगे से इन नालियों में किसी ने भी कूड़ा करकट फेंका तो उस दुकानदार को जुर्माना किया जाएगा। एसडीएम ने कंडवाल तक सभी खड्ड नालों का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए विभाग सचेत रहे। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुका है। गत वर्ष भी बरसात में कुछ पंचायतों में काफी नुकसान हुआ था। यहाँ पर समस्या है, वहाँ पर कंक्रीट बॉल भी लगा दिए गए हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमियां हैं, उनके लिए भी आज निर्देश दिए गए हैं। देखा गया कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालियों में फेंक देते हैं, जिससे नालियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। बरसात के दिनों में बारिश अधिक होने के कारण बारिश का पानी नालियां बंद होने के कारण सड़क पर आ जाता है और घरों व दुकानों में घुस जाता है, जिस कारण बरसात के दिनों में काफी नुकसान होता है। सभी दुकानदारों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालियों में न फेंके। अगर कोई भी दुकानदार कूड़ा करकट नालियों में फेंकता हुआ पाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मॉनसून जो है हिमाचल में दस्तक दे चुका है और गत वर्ष भी मॉनसून के कारण हमारी नूरपुर की कुछ चार पांच पंचायतों में बहुत नुकसान हुआ था, जिनमें से नागावाड़ी, कंडवाल और ये जो छतरौली पंचायत है, इन पंचायतों का दौरा मैंने आज किया है। लास्ट ईयर जो है जो फ्लैश फ्लड्स के कारण जो है वहाँ पर पानी लोगों के घरों में घुस गया था। हमने लोगों को आदेश भी दिए थे, विभागों को आदेश दिए थे कि वो जो है प्रोटेक्शन वर्क वहाँ पे स्टार्ट करें। ग्रेड वर्क उन्होंने लगाए हैं, जो हमने पिछले साल आदेश दिए थे उसके अनुपालना में जो है कंक्रीट की वॉल्स भी लगा दी गई हैं। फिर भी कुछ जो कुछ कमियाँ हैं हमने आज आदेश दे दिए हैं, उन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। एसडीओ एनएच के साथ और हमने ब्लॉक के जी के साथ हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें हमने जो हमारी एनएच के अलॉन्ग जो है ड्रेन्स हैं, कुछ 2-3 किलोमीटर लंबी ड्रेन हमने जो है थ्रू करवा दी है, जिसको लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, जिसमें प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ें जो है डंप हो गई थी। हमने कुछ चलानिंग भी की है, लोगों को सेंसिटाइज भी किया है कि वो जो अपने दुकानों के बाहर का जो जितना कूड़ा कचरा है वो एक डस्टबिन में रखें और उसको जो है जो सेफ जो एयर मार्क स्पेसेस हैं वहीं पर डिस्पोज ऑफ करें। इसके अतिरिक्त जो है हमने दौरा किया है जो नूरपुर के इलाके में बहुत सारे जो नाले हैं, नालों के अलॉन्ग जो कुछ लोग जो है पिकनिक मनाने भी जाते हैं, कुछ लोग जो है अन्य कारणों से भी जा रहे हैं, और कुछ नदी के जो खड्डों के आसपास कुछ झुकी झोंपड़ी वाले भी हैं। हमने उन सबको निर्देश दिए हैं कि जो फ्लैश फ्लड्स कभी भी हो सकते हैं, आप वहाँ से हट जाएं। हमने इस आदेशों को सुनिश्चित करवाने के लिए हमने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वो जो है इस पे देखें और वो उसकी रिपोर्ट मुझे सबमिट करें।